आगरा की एजमापुर तहसील के गांव छोटा गुड़ा में विद्युत व्यवस्था जर्जर है। इसी कारण 11,000 की हाई टेंशन लाइन का एक तार टूट गया, जिससे गाय की मौत हो गई। गुस्सा एक ग्रामीण भारतीय किसान यूनियन के साथ तहसील पहुंचे, जहां एसडीएम ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत करा दिया और विद्युत विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एतमादपुर तहसील क्षेत्र में लॉकडाउन में विद्युत व्यवस्था को लेकर उपभोक्ता परेशान नजर आ रहे हैं, तो वहीं तहसील क्षेत्र के गांव छोटा गुड़ा में विद्युत व्यवस्था जर्जर हालत में पड़ी हुई है, जिसकी शिकायत पहले भी भारतीय किसान यूनियन ने अधिशासी अभियंता एतमादपुर को की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंगलवार को दोपहर में फॉल्ट होने के बाद एक हाई टेंशन लाइन का तार टूट कर वहां से गुजर रही आवारा गाय के ऊपर गिर गया, जिससे गाय की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद गुस्सा ग्रामीणों ने भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ तहसील के घेराव का मन बना लिया और फर्श माइक लेकर एतमादपुर तहसील कार्यालय पर पहुंच गए, लेकिन कोरोना की महामारी के चलते एसडीएम ने किसी भी तरह के धरने को देने से साफ मना कर दिया और ग्रामीणों को विद्युत व्यवस्था को ठीक कराने का आश्वासन करते हुए वापस कर दिया, जिसके बाद ग्रामीण वापस लौट गए। भारतीय किसान यूनियन भानु से मंडल अध्यक्ष विपिन यादव, क्या समस्या थी आप यहाँ पर धरना? देखिए, आज से एक सप्ताह पहले तारीख 21/7/2020 को हमने एक्सियन एतमादपुर के वहाँ धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया था, जिसमें एक्सियन साहब ने कहा था कि आज शाम तक 4 बजे तक आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ट्रांसफार्मर खराब रख दिया, उसमें 2 पीस उसमें लाइन चल रहे हैं, लाइन पूरे गाँव में 2 पीस आ रही है, जिससे लोगों की समस्या वही है जो पहले थी। और वो समस्या न तो सही तरीके से बल्ब जलता है, न समरसेबल चलती है, न और कोई काम हो पाते हैं। तो दूसरी बात यह है कि जो जर्जर तार हो रहे थे, तो जर्जर तारों होने के कारण कोई ना कोई तार टूटता रहता है, कोई ना कोई घटना होने की पूरी आशंका रहती है। ऐसा ही हुआ, 11,000 की लाइन टूट जाने के कारण एक गाय की मृत्यु हो गई है, और 11,000 चौथा दिन है चारवें दिन भी वहाँ के बिजली विभाग के एक भी अधिकारी ने, कर्मचारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए आज हमने उपजिलाधिकारी मैडम को आज हमने ज्ञापन दिया और हमने समस्या को अवगत कराया। मैडम ने आश्वासन दिया कि आज शाम तक आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए, कोरोना जैसी महामारी के कारण हम सोच रहे हैं कि हमें धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़े, हम उग्र आंदोलन नहीं करना पड़े, लेकिन अगर हम मरेंगे तो फिर क्या नहीं करेंगे? आप फर्श और माइक लेकर के आए थे? नहीं, फर्श और माइक लेकर के, हमारा फर्श और माइक तो हमारा हथियार है, फर्श माइक और डंडा ये तो हमारा हथियार है, और टोपी ये तो इससे कोई आपका कोई नहीं बनता है, ये तो हमारी गाड़ी में 24 घंटे हमारी गाड़ी में रहते हैं। आपने तहसील में डाले थे? नहीं, तहसील में हमने डाले थे। अगर हमारी समस्या का समाधान अगर मैडम ने बोल दिया हो जाएगा शाम तक, तो हमें उपजिलाधिकारी एतमादपुर है, तो हमें उनमें विश्वास करना पड़ेगा। अगर नहीं होता तो महाभारत होगा। हालांकि एसडीएम द्वारा आश्वासन पाकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और ग्रामीण वापस लौट गए, लेकिन एतमादपुर की विद्युत व्यवस्था और विद्युत विभाग सवालों के घेरे में है, क्योंकि 7 दिन पहले भी धरना देने के बाद अधिशासी अभियंता द्वारा इसी समस्या को हल करने के लिए सिर्फ 2 दिन का समय मांगा गया था, लेकिन 7 दिन बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है और जिसका खामियाजा एक गाय को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा है।